दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 30 अगस्त 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाली हैं आज की तारीख में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, सभी अपडेट्स को हम वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाली हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तब का समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2023 को लेकर जहां पर फाइनली एशिया कप का इंतजार कर रहे सभी फैंस के लिए वो टाइम आ चुका है जहां पर फाइनली आज से एशिया कप 2023 का आगाज होने के लिए जा रहा है। पहला महामुकाबला में पाकिस्तान और नेपाल के बीच पाकिस्तान में देखने को मिलने वाला है, लेकिन इसी बीच एशिया कप 2023 की लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स को लेकर बहुत ही बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। चलिए लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम टीवी टेलीकास्टिंग डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो भारत में इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट को स्टार स्पोर्ट्स कवर करने वाला है। स्टार स्पोर्ट्स के जितने भी चैनल्स हैं, जिन चैनल्स की लिस्ट को आप सभी लोग मेरे सामने स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे, इन सभी टीवी चैनल्स पर हमें अलग अलग भाषाओं में एशिया कप 2023 की लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलने वाली है। वह यदि आप अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो वह डिज्नी प्लस हॉटस्टार की बार एशिया कप 2023 की लाइव टेलीकास्टिंग करने वाला है। एक जो बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि भाई एशिया कप 2023 की बिल्कुल फ्री में लाइव टेलीकास्टिंग हमें अब की बार डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रोवाइड करने वाला है। किसी भी टाइप की कोई भी प्रीमियम मेंबरशिप हमें वहां पर ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट अपने प्ले स्टोर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर एशिया कप 2023 की लाइव टेलीकास्टिंग होने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है टीम इंडिया को लेकर, खबर है केएल राहुल को लेकर। जी हां, थोड़ी सी हैरान करने वाली, थोड़ी सी निराश करने वाली खबर यहां पर जरूर है, जहां पर भाई आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि केएल राहुल अभी तक अपनी इंजरी से पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको भारतीय टीम के स्क्वाड्स में शामिल किया गया था, जिसके ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी थी। लेकिन दोस्तों कल यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिसीजन, एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट हमें खुद बीसीसीआई की तरफ से देखने को मिली है, जहां पर यह आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है। खुद कोच राहुल द्रविड़ ने यह कंफर्म किया है कि भाई केएल राहुल फिलहाल प्लेइंग 11 में सेलेक्शन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, जिसके चलते अगले दो महामुकाबलों से वो पूरी तरह से टोटली रूल्ड आउट हो चुके हैं। अगले दो मैचों में वो प्लेइंग 11 में सेलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, उसके बाद उनका फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट डिसीजन हमें बीसीसीआई की तरफ से देखने को मिलेगा, तो अपडेट आपको क्रिकेट इंडिया चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है आप सभी के फेवरेट एशिया कप को लेकर, जहां पर भाई श्रीलंकन टीम को लेकर बड़ी खबर है। श्रीलंकन टीम ने मतलब कल यहां पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2023 के लिए अपनी नई जर्सी को लॉन्च कर दिया। जिस टीम की नई जर्सी को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे, जहां पर एक नया स्पॉन्सर 1x यहां पर इस टीम को मिल गया, और भाई दिखने में ये जो जर्सी है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, और भाई सभी टीमों की जर्सी भी यहां पर लॉन्च हो चुकी है, जिसको ऑलरेडी हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 को लेकर, जो इस साल के अंत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच हमें भारत के 10 अलग अलग स्टेडियम्स में देखने को मिलने वाला है। अच्छी तरह से यहां पर वर्ल्ड कप के लिए तैयारियों का आगाज हो चुका, लेकिन इसी बीच यहां पर टीम इंडिया के स्क्वाड्स को लेकर, टीम इंडिया के अनाउंसमेंट को लेकर बहुत ही बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज हमें देखने को मिली है। जी हां, फाइनली वह डेट डिसाइड हो चुकी है, जिस डेट को आपके वर्ल्ड कप 2023 के लिए बीसीसीआई भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान करने वाला है। जी हां, यह आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया गया कि भाई 3 सितंबर को बीसीसीआई की एक बहुत ही जबरदस्त मीटिंग होगी, उस मीटिंग के हिस्सा यहां पर कोच राहुल द्रविड़, उसके अलावा भाई कैप्टन रोहित शर्मा भी होंगे, और उस मीटिंग के बाद 3 सितंबर को शाम को वर्ल्ड कप 2023 के लिए बीसीसीआई भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर देगा, जैसे ही भारतीय टीम के फाइनल स्क्वाड्स की यहां पर अनाउंसमेंट हो जाती है तो अपडेट आपको सबसे पहले क्रिकेट इंडिया चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है
इंडिया वर्सेज पाकिस्तान महामुकाबले को लेकर जी आप सभी को पता है कि एशिया कप 2023 के दौरान टीम इंडिया अपना पहला महामुकाबला 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ पेलिकेल के स्टेडियम में खेलने वाली है। लेकिन मैच की शुरुआत से पहले बहुत ही बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, थोड़ी सी निराश करने वाली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर मौसम विभाग ने मैच के आगाज से पहले बहुत ही बुरी खबर सभी क्रिकेट फैंस के सामने रखी है। जी हाँ, मौसम बिल्कुल खराब रहने वाला है, 70-80% रेन के चांसेस ऑन द मैच टाइम यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जिसके चलते इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच पर बारिश एक बहुत ही बड़ा इंटरप्शन बनकर सामने आने वाली है। खैर, हम तो ये दुआ कर सकते हैं, मैच उम्मीदें कर सकते हैं कि बारिश यहाँ पर परेशान ना करो, डेफिनेटली इंडिया वर्सेज पाकिस्तान महामुकाबला हमें पेलिकेल के स्टेडियम में बिना किसी रुकावट के देखने को मिले। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है टाटा आईपीएल 2024 को लेकर। जी हाँ, आईपीएल 2024 में पार्टिसिपेट करने वाली 10 की 10 टीमों के साथ साथ बीसीसीआई ने भी जोरों शोरों से अपनी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर आईपीएल 2024 की स्टार्टिंग डेट को लेकर हमें बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिला है, जहाँ पर यह कन्फर्म किया गया है कि 4 मार्च 2024 में आईपीएल 2024 का आगाज हो जाएगा। आपको मैंने पहले बताया था कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023 में हमें आईपीएल 2024 की नीलामी देखने को मिलेगी, मिनी ऑक्शंस यहां पर होंगे। उससे पहले 25 सितंबर से पहले सभी ट्रेड्स हो जाएंगे, उसके बीच में यहां पर सभी टीमें अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट रिवील करने वाला है। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 के रिगार्डिंग ही चेन्नई सुपर किंग की टीम को लेकर, जहां पर आईपीएल के आगाज से पहले चेन्नई सुपर किंग की टीम ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी का नेक्स्ट आईपीएल एडिशन में जो पार्टिसिपेशन है वो अब यहां पर लगभग कंफर्म आ रहा है। सीईओ ने ऐसा कंफर्म किया है कि महेंद्र सिंह धोनी डेफिनेटली हमें आईपीएल 2024 में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि सोर्सेज ऐसा क्लेम करें कि हो सकता है कि आईपीएल 2024 के दौरान चेन्नई सुपर किंग की टीम एक नए कप्तान के साथ उतरे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी भी उस कैप्टन की हेल्प करने के लिए टीम को थोड़ा सा और आगे लेकर जाने के लिए डेफिनेटली वहां पर अवेलेबल होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है एशिया कप 2023 के रिगार्डिंग, और खबर है विराट कोहली की तरफ से। विराट कोहली की एशिया कप से जस्ट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर उन्होंने काफी सारी अच्छी अच्छी बातें की। उन्होंने ऐसा बोला कि भाई प्रैक्टिस सेशन के दौरान टीम इंडिया जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है, प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों ने काफी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस यहां पर करके दिखाया है, और भाई हमारी सेना बिल्कुल अच्छी तरह से एशिया कप की ट्रॉफी उठाने के लिए तैयार है। विराट कोहली और साथ ही साथ पूरी की पूरी भारतीय टीम यहां पर काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है, और भाई कहीं ना कहीं ऐसा पर्सनली मुझे भी फील हो रहा है कि एक और एशिया कप की ट्रॉफी अब की बार हमें भारत में आती हुई दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों, आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों के ऊपर आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किसी इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।